गए हैं। ये जो सांप देख रहे हैं, मैंने जो है कि गंगा निकेतन कबीर गार्डन के पीछे गंगा निकेतन कॉलोनी है जो रानीबाग के पीछे है, बीमा हॉस्पिटल के पीछे, वहां से इस सांप को मैंने रेस्क्यू किया है। और ये सांप जो है कि घोड़ा पछाड़ सांप प्रजाति का है, और किसी भाई को यदि छेड़खानी कर दे ऐसा सांप तो घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट एड का काम करना चाहिए, जहाँ पे काटा है उससे एक गिलास ऊपर कपड़ा हो या चिंदी हो रुमाल हो उससे पट्टी बांध लेना चाहिए, और नए ब्लेड से चीरा लगा करके ब्लड को बाहर करते रहें। और ब्लड जमने की संभावना होता है कि यदि और इससे खतरनाक सांप कोबरा है तो ब्लड जमने की संभावना होती है, जिनमें न्यूरोटॉक्सिन हीमोटॉक्सिन जहर होता है पाया जाता है सांपों में, इस प्रकार के जहर को जो है कि चीरा लगा करके बाहर कर सकते हैं, उससे अपने को आधा घंटे का मौका मिल सकता है। और नज़दीकी हॉस्पिटल में तत्काल पहुँचें और उसका उपचार पा सकें, और ऐसा कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन लगा करके सबसे पहले कंफर्म कर लें क्या है क्या नहीं है, या मेरे पास आ जाएं तो मेरे पास इलाज उपलब्ध है इसका। सांप बिच्छू कोई सा जानवर का, विषैला यानी कोई सा जानवर हो, सबका मेरे पास इलाज उपलब्ध है। साथ में पथरी पाइल्स, टाइफाइड, नमूनिया, अन्य इलाज भी है, लकवा से लेकर कैंसर तक का इलाज है। तो मेरा नाम है अरुण सिंह चौहान, रेसिडेंसी 76B चंद्रलोक नगर, मिल रोड, बालगढ़, देवास, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 9893026174, एनी टाइम कॉल करके बुला सकते हैं। वर्तमान समय में मेरी सर्विस आयसर कंपनी देवास में मेरी सर्विस है, जो भी कमर्शियल व्हीकल इंप्रेस देवास मध्य प्रदेश। तो अगर ये सांप जो देख रहे हैं आप, ये घोड़ा पछाड़ प्रजाति का सांप है, जिसके अंदर आज इंसान को बचने की 99% उम्मीद रहती है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन बहुत कम होता है, जिससे आदमी को इतना डेंजर बीच नहीं चढ़ता है। तो आप लोगों को यदि सांप काट ले किसी को भी तो घबराना नहीं चाहिए, तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल से इलाज करवाना चाहिए, झाड़ फूँक के चक्कर भी नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद। आपको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक नहीं किया तो लाइक क्रिएट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आपको अच्छा लगा वीडियो। धन्यवाद। ये है मेरी थैली, जिसके अंदर मैं सांपों को रेस्क्यू करने के बाद थैली के अंदर रखता हूँ। ये हमने इस सांप को ऐसे इस तरीके से थैली में रख लिया है, अब इसको हम जंगल में छोड़ देंगे। धन्यवाद।